अगर आपने गलती से डेटॉल पी लिया तो क्या होगा? अरबों तारे होने पर भी अंतरिक्ष में क्यों है अंधेरा? पेड़ की टहनियों पे सोते समय भी पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे ही क्यों होता है? और भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां पे दिवाली नहीं मनाई जाती। इसकी वजह काफी हैरान कर देने वाली है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। फैक्ट नंबर 10, नीदरलैंड में साइकिल से ऑफिस जाने पर कंपनी की तरफ से अलग से पैसे दिए जाते हैं। वहां 1 किलोमीटर साइकिल चलाने पर लगभग 16 रुपए मिलते हैं। यहां साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया गया है। क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको खड़े खड़े सोना है तो आप कहेंगे ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। दरअसल इंसानों को सोने के लिए एक आरामदायक जगह की जरूरत होती है जहाँ उसका शरीर आराम से टिक सके। इसके अलावा जब इंसान सोता है तो उसे उस समय अपनी नींद के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। इंसान एक बार में कई घंटों की नींद लेता है तब जाकर उसकी नींद पूरी होती है। लेकिन क्या आपने अपनी नींद के अलावा पक्षियों की नींद और उनके सोने के तरीके के बारे में सोचा है? और क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि जब एक पक्षी पेड़ पर सोता है तो वो सोते समय गिरता क्यों नहीं? आइए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको आसान शब्दों में बताएं तो जब पक्षी अपनी दाईं आंख खुली रखता है तब उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव रहता है। उसी प्रकार जब पक्षी अपनी बाईं आंख को खोलकर सोता है तब उसका राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। पक्षियों की इस तरह से नींद लेने की क्षमता उन्हें कई खतरों से बचाती है। उन्हें सोते समय भी शिकारियों के नजदीक आने का एहसास हो जाता है। इसके अलावा वो इसी क्षमता के कारण सोते समय अपने आप को गिरने से बचाते हैं। हालांकि पक्षियों की पैरों की बनावट भी उनकी काफी मदद करती है। उनके पैरों की बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि वो बड़ी ही आसानी से पेड़ों की टहनियों को जकड़ लेते हैं और उनके पैर तब तक नहीं छूटते जब तक उनके पैर फिर से सीधे ना हो जाएं। सोते समय उनके पंजे एक लॉक का काम करते हैं जिसकी मदद से वो अपने शरीर पर बैलेंस बनाए रखते हैं और सोते समय भी पेड़ से नहीं गिरते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है न्यूयॉर्क में एक ऐसी यू आकार की बिल्डिंग बन रही है जिसका नाम द बिग बैंड है। इस बिल्डिंग के बीच में जो जगह खाली है वो जगह इतनी ज्यादा है कि उसमें से एक प्लेन गुजर सकता है। अगर भारत में किसी एक बिल्डिंग के बीच में इतना गैप हो तो लोग क्या करेंगे? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपका कमेंट मजेदार होना चाहिए। फैक्ट नंबर 7, प्रकाश के उत्सव दिवाली को पूरे भारत देश में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां ये दिन लोगों के लिए किसी आम दिन की तरह होता है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के सम्मू गांव में कई सालों से दीपावली नहीं मनाई गई है। गांव के लोगों ने बताया कि कुछ गांव वाले बीच में दीपावली त्योहार मनाना शुरू किए थे पर इस दौरान उनकी गौशाला में आग लग गई। और यही नहीं, अगर कोई गाँव वाला दीपावली मनाने की कोशिश करता है तो वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। और अब इसी डर के चलते कोई भी गांववासी दीपावली का त्योहार नहीं मनाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि गांव पर श्राप होने के कारण यहाँ पर दिवाली पर जश्न नहीं मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, वैज्ञानिकों के अनुसार अब 1 मिनट के टाइम को 60 सेकंड से घटाकर 63 सेकंड कर देना चाहिए क्योंकि उनका कहना है कि पृथ्वी पहले से ज्यादा तेजी से चक्कर लगा रही है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अंतरिक्ष में अंधेरा नहीं है, बस तारों की दूरी और किसी ऑब्जेक्ट के ना होने के कारण अंतरिक्ष में अंधेरा दिखता है। दरअसल रोशनी तभी दिखती है जब वो किसी ठोस चीज से टकराती है और फिर हमारी आंख तक आती है। इसीलिए पृथ्वी पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है जिससे हमें रोशनी दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष में मौजूद कोई भी चीज तभी दिखती है जब रोशनी टकराकर हम तक आती है। लेकिन अंतरिक्ष में अनेकों तारे होने के बावजूद भी रोशनी को टकराने के लिए कोई ठोस चीज नहीं मिलती है और वायुमंडल ना होने के कारण अंतरिक्ष में हमें अंधेरा दिखता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है हमारी भारतीय महिलाओं को सारी तारीखें याद रहती है? उनकी दोस्ती कब, किससे, कहां, कब हुई, ये सारा लेखा जोखा उनके पास रहता है। और जब भी आप उनसे बात करते हैं तो थोड़ा संभल के करें वरना वो आपके गड़े मुर्दे उखाड़ देंगी और ऐसी बातें याद दिलाएंगी जो आपको भी ना याद हो। भैया देखो जमाना है खराब, बीवी कमरे में ले जाके मारती है, इसलिए बच कर रहो, संभल कर रहो और मेरी वीडियोस देखते रहो। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैक्टर का साइलेंसर हमेशा आगे ही क्यों लगाया जाता है? कंपनी चाहे तो पीछे लगा सकती है लेकिन फिर भी हमेशा आगे ही क्यों लगाती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों ट्रैक्टर एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाली गाड़ी है जिसे दूसरी गाड़ियों की तरह दिखावे की जरूरत नहीं
नहीं बढ़ती है और अगर कंपनी साइलेंसर को एडजस्ट करके पीछे लगा भी दे तो ट्रैक्टर को कई उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरना पड़ता है जिसकी वजह से साइलेंसर के अंदर मिट्टी और पत्थर जा सकते हैं और ऐसे में इंजन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा साइलेंसर को आगे लगाने से एक लंबे एग्जॉस्ट पाइप को खरीदने का खर्चा भी बच जाता है और साथ ही मैनेजमेंट के दौरान मैकेनिक को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 2, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पुरुषों का भविष्य खतरे में है। एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पुरुष पैदा ही नहीं होंगे क्योंकि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यानी एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया में लड़के ही नहीं होंगे, सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने गलती से डेटॉल पी लिया है तो ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि डेटॉल में क्लोरोसाइलिनॉल होता है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरिया मारने के लिए किया जाता है और अगर आपने इसे पी लिया है तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देगा जिससे आप अकेला और डीमोटिवेट महसूस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें।